अगर आप आर्थिक तंगी या घरेलू कलह से परेशान चल रहे हैं, तो आपको माँ लक्ष्मी को मनाने की जरूरत है। आज हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का आसान उपाय आपको बताते हैं। दुनिया में शायद ही कोई इंसान होगा जो नहीं चाहेगा कि उसका घर धन दौलत से भरा रहे, वह सेहतमंद रहे और परिवार में सुख शांति का माहौल बने। लेकिन सबकी यह चाहत अक्सर पूरी नहीं हो पाती। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपकी यह प्रार्थना स्वीकार कर लें, तो आज हम उन्हें प्रसन्न करने का एक आसान उपाय बताते हैं। इस उपाय से आपका घर खुशहाल होते देर नहीं लगेगी। तो आइए मित्रों, बिना विलंब किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में हिंदू रीति रिवाज व हिंदू धर्म से जुड़ी बातों का गहन अध्ययन करके बताया जाता है। कृपया हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हे माँ लक्ष्मी, जो भी मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, आप उनके घर में कभी धन की कमी मत होने देना और हमेशा आप अपने कृपा उन पर बनाए रखना। पहला उपाय है मित्रों, घर के मुख्य द्वार पर बनाए माँ लक्ष्मी के शुभ चरण चिन्ह। धार्मिक विद्वानों के मुताबिक, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से बसेरा बनाकर रहें, तो आपको अपने पर माँ लक्ष्मी जी के शुभ चरण चिन्ह बनाने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और उनकी कृपा हमेशा परिवार पर बनी रहती है। इससे परिवार में आपसी कलह भी दूर होती है और नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। अगला उपाय है मित्रों, सकारात्मक ऊर्जा का घर में बढ़ता है प्रवाह। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक मेन गेट पर माँ लक्ष्मी के शुभ चरण चिन्ह लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इससे घर में धन संपदा की कोई कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह को दरवाजे के नीचे लगाना सबसे शुभ माना जाता है। इससे वे काफी प्रसन्न होती हैं और परिवार के लोगों में खुशहाली बढ़ती है। आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के साथ ही धन के देवता कुबेर के शुभ चरण चिन्ह भी मेन गेट पर लगा सकते हैं, जो बेहद शुभ माना जाता है। अगला उपाय है मित्रों, मेन गेट की नियमित रूप से करते रहें सफाई। आपको माँ लक्ष्मी से जुड़े इस उपाय को करने के साथ ही यह भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि मेन गेट की नियमित रूप से ग्रीसिंग और ऑयलिंग करते रहना चाहिए, जिससे उसमें से किसी तरह की आवाज न आए। ऐसा करने पर घर में आपसी तनाव का माहौल बन सकता है। साथ ही मुख्य द्वार की रोजाना नियमित सफाई होनी चाहिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा के घर में प्रवेश का मार्ग सुलभ बना रहे। अगला उपाय है मित्रों, तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी स्वास्थ्य के लिए जितनी गुणकारी है, इसका पौराणिक महत्व भी उतना ही है। विष्णुप्रिया तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। सनातन धर्म में तुलसी को पूजनीय माना गया है। रोजाना सुबह उठकर तुलसी में जल चढ़ाने से जीवन के तमाम कष्टों से मुक्ति मिलती है और धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक संकट दूर होता है। तो मित्रों, माँ लक्ष्मी का यह उपाय आपके जीवन में चल रही परेशानियों को खत्म कर आपके जीवन में खुशियां ला सकती है, अगर आप सही विधि नियम का पालन से यह उपाय अपनाते हैं। आप सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने लगते हैं। तो आशा करते हैं मित्रों, आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मित्रों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसे ही जानकारी पूर्वक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।